यूपी के शामली जिले में गैस रिसाव से बीमार हुए 49 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। चीनी मिल से गैस रिसाव की वजह से 2 स्कूलों के 50 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए थे। गैस रिसाव के बाद बच्चों ने आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की। 8 बच्चों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन में रविवार की देर रात मेडिकल कॉलेज के छात्रों और बाहरी लोगों के बीच हुए विवाद के बाद अब मेडिकल कॉलेज के छात्र हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ओपीडी समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहीं। मेडिकल में इलाज के लिए पहुंचने वालों को वापस लौटना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लगभग 24,000 संविदा चालक परिचालकों ने लखनऊ में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि अगर वेतन मान बढ़ाने समेत उनकी दूसरी मांगे नहीं मानी गई, तो वो 13 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। परिवहन निगम में 85% संचालन संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुआ निवासी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर 1996 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सोनीपत की अदालत ने उम्र कैद व 50,000 रुपए की सजा सुनाई है। आतंकी टुंडा को पुलिस ने साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव बोरोली में ग्रामीणों ने गांव में बन रहे स्लॉटर हाउस के विरोध में हंगामा किया। गांव वालों की शिकायत है कि स्लॉटर हाउस में पशुओं को काटने के बाद गंदे पानी को बोरिंग करके जमीन में डाल दिया जाता है, जिससे पीने का पानी गंदा हो जाता है। यूपी के महोबा में बेटी पैदा होने के बाद सास ससुर ने बहू को घर से निकाल दिया। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के भिगवाहा गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि बेटी पैदा होने के बाद उसे घर से निकाल दिया और धमकी दी कि अगर वो दोबारा लौट कर आई तो जान से मार देंगे। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने पुलिस से शिकायत की तो उससे बदसलूकी की गई। पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट के लिए आज उपचुनाव है। चुनाव के पोलिंग बूथों पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और 3600 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 16 कंपनियां बाहर से मंगवाई गई हैं, जिनमें से 12 पैरामिलिट्री फोर्स, 4 आर्मी और कमांडो की कंपनियां शामिल हैं। पंजाब में सरकार के उस आदेश की अनदेखी हो रही है जिसमें पंजाब की सभी ट्रक यूनियन भंग करने का आदेश दिया था। पंजाब के ट्रक यूनियन पहले की तरह काम कर रही हैं। आरोप है कि वो अपने क्षेत्र में किसी बाहरी व्यापारी को घुसने नहीं देते। इलाके में एक व्यापारी ने बाहर से एक ट्रक रेत मंगवाया, लेकिन ट्रक यूनियन से जुड़े व्यक्तियों ने ट्रक अगवा कर लिया। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। आरोप है कि प्रिंटर के सहारे नकली नोटों को बनाकर बाजारों में चलाया जा रहा था। नए नोटों में असली नकली की पहचान न हो पाने की वजह से लंबे वक्त से धंधा चल रहा था। पंजाब के भटिंडा की केंद्रीय जेल में कैदी ने जेल में बने बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि मृतक कैदी के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है।